बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल शुक्र के साथ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी, जैसे कि बहुत सारे दोस्तों ने एक मिनट की हुई थी मैसेजेस आए थे कि भाई जान आपकी वीडियोस जो हैं बहुत लेट आती हैं, बहुत कम वीडियो आ रही हैं, तो क्या रीज़न है। तो सबसे पहले उन भाइयों का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने याद किया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैं काम करता हूँ होटल पर, रेस्टोरेंट पर, तो अभी तकरीबन 15 से 20 दिनों से मैं काम पर ही हूँ, तो होटल पर आ गया हुआ हूँ। तो इस वजह से टाइम जो है निकालना बहुत ही मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि ड्यूटी जो है तकरीबन अभी टाइम जो है तकरीबन 6:30 का टाइम हो रहा है, अभी 6:30 का टाइम है। तो अभी रूम से उठा हूँ सोकर, तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा है मेरे पास। अभी नाश्ता वगैरह करना है, नहाना है, और उसके बाद फिर ड्यूटी पर, और रात के 8 बजे तक ना काम पर ही रहना है। ऐसे में वीडियोस के लिए टाइम निकालना जो है बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वीडियोस जो है मेरी बहुत काम आती हैं, और ज़्यादातर मैं चूल्हे बनाता हूँ। ये भी बहुत सारे दोस्त जो है पूछ रहे हैं कि भाई जान आप चूल्हे वगैरह ही बनाते हो और वीडियोज़ जो है आपकी वो नहीं आती। तो चूल्हे भी तकरीबन हफ्ते डेढ़ बाद, 10-12 दिनों बाद कोई वीडियो आती है चूल्हे की। 3-4 डे के बाद मैं जब घर जाता हूँ, तो रात की रात घर जाना होता है, तो सुबह फिर काम पर आना होता है, तो सुबह 8 बजे आना होता है, उसके बीच 1.5 घंटा होता है। तो ऐसे में मैं चूल्हा जो है बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में तकरीबन चूल्हा जो है मैं मुकम्मल तैयार कर सकता हूँ, जब भी हो जाए। तो बकाया और कोई वीडियो बनानी हो तो वो जब स्टार्ट करनी है कुकिंग वगैरह, तो वो तभी कम्प्लीट करनी है, तो ऐसे में इतना टाइम जो नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादातर मेरे चूल्हे जो है हो जाते हैं। तो ऐसे में मेरी भी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्द डेली की रूटीन जो है बनाई जाए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द डेली की रूटीन बनाई जाएगी, वीडियोस जो है वो रोज़ाना अपलोड की जाएगी। तो अभी नाश्ता भी करना है, और टाइम जो है तकरीबन 1 घंटा रह गया काम पर जाने का। तो इसी के साथ अली हम सबको दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।